तो आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब एक ही है कि भैया आप कस्टम में हक देते हो। मेरे को पता है कि ये बहुत ही कड़वी बात लगती है, लेकिन इट्स अ ब्लडी रियलिटी। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपका भाई ये रियलिटी चेंज करने में आपकी पूरी मदद करेगा। और ये वीडियो देखने के बाद गारंटी है कि अगली बार आप नहीं, आपका ओपोनेंट हक देगा। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना तो होगा ही, और साथ में मैं जो जो चीजें बताऊंगा उसको अपने गेम प्ले में यूज भी करना होगा, तब भी आपकी रियलिटी चेंज होगी। और गाइस, इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम लोग कस्टम की स्ट्रेटजीज के बारे में बात करने वाले हैं, और दूसरे पार्ट में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ठीक है। और लास्ट में हम लोग ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से आप 1v1 कस्टम में 50% मर जाते हो। तो भैया इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, एंड अभी से एंड में मत भाग लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको चप्पे चप्पे पे ज्ञान मिलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। एंड चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब 360 डिग्री लिखा है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं आपको 360 डिग्री ग्लू वॉल लगाना सिखाने वाला हूँ, क्योंकि भैया वो तो मैंने पहले से ही सिखाया हुआ है। लेकिन आज हम लोग ऐसी दो कमाल के ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनको यूज करके आप 360 डिग्री ग्लू वॉल लगाने वाले को इजिली फोड़ सकते हो। तो चलिए अपनी पहली ट्रिक की बात कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कस्टम के कुल देवता की जरूरत पड़ने वाली है। और कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैं किस कुल देवता की बात कर रहा हूँ। जी हाँ गाइज, आपको स्काइलर की जरूरत पढ़ने वाली है। और मैं स्काइलर को कुल देवता क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले हम ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस देखो, आप सभी को पता है कि स्काइलर की ताकत क्या है, भैया ग्लू वॉल। एंड अपना स्काइलर एक साथ 5 ग्लू वॉल को फोड़ सकता है, तो भैया सामने वाले के 360 डिग्री ग्लू वॉल को क्यों नहीं फोड़ सकता। इसीलिए आप स्काइलर का यूज करके 360 डिग्री ग्लू वॉल को फोड़ सकते हो, एंड बंदे को इजीली मार सकते हो, जैसा कि मैंने यहां पर किया, ठीक है। और अगर आपके पास स्काइलर कैरेक्टर नहीं है तो भैया दूसरी ट्रिक को देख लो, ठीक है। एंड इस ट्रिक में हमको एक चीज की जरूरत पड़ने वाली है जो कि कस्टम में बैन है, मींस कुछ लोग यूज करते हैं एंड कुछ लोग नहीं करते। जी हां गाइस, मैं ग्रेनेड की बात कर रहा हूं, लेकिन इससे आपको बंदे को मारना नहीं है। आपको क्या करना है, देखो ये बंदा कस्टम से पहले तो भैया बहुत उछल रहा था, लेकिन कस्टम में आने के बाद हमने इसकी हवा टाइट कर दी थी, इसीलिए ये भाई साहब 360 डिग्री ग्लू वॉल लगा के बैठ गए अपनी लाइफ बढ़ाने, और हमारे पास स्काइलर भी नहीं था। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ये बंदा पहले से ही डरा हुआ है, तो हम लोग डर का बिजनेस आगे बढ़ाते हैं और एक ग्रेनेड की पिन खींच है, एंड यू कैन सी द रिजल्ट। और कुछ इसी तरीके से आप भी बंदे को डरा के 360 डिग्री ग्लू वॉल से बाहर निकाल सकते हो एंड उसे इजीली मार सकते हो, ठीक है। और याद रखना भाई, बंदे को ग्रेनेड का डैमेज नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो बाहर निकलने के बाद उसका सबसे बड़ा बहाना यही बन जाएगा। एंड चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी के बारे में। लास्ट जोन ट्रैप, भैया नाम से ही पता चल रहा है कि आखिरी जोन में आपको बंदे को फंसाना है। मींस देखो, कई बार ऐसा होता है कि आप और आपका एनिमी लास्ट जोन तक भैया फाइट ही करते रह जाते हैं, एंड जोन आने के बाद आप जोन से ही मर जाते हो। तो गाइज उस कंडीशन में ये स्ट्रेटेजी बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है। आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको अपने ओपोनेंट को जोन के साइड में लाने की कोशिश करनी है। मैं मानता हूँ ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मरने से तो बेहतर ही है ना भैया। जैसे मैंने यहाँ पर किया, आप लोग देख सकते हो, मैंने बंदे को जोन के साइड में फंसा दिया एंड वो इजीली मर गया। और इसी स्ट्रेटजी को आप लोग लास्ट जोन में यूज कर सकते हो। एंड अब आप लोग बोलोगे कि भैया हम उसे इजीली गोली से भी तो मार सकते हैं ना। तो भैया मार सकता है, लेकिन वहां पर मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मींस आपको जोन का भी डर रहता है एंड बंदे की गोली खाने का भी डर रहता है, तो वहां पर आप पैनिक हो जाओगे एंड पैनिक होने की वजह से आप इजीली मर जाओगे। इसीलिए ये स्ट्रेटजी को भी सही से सीखो एंड बंदे पे यूज करो, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी स्ट्रेटजी की ओर। सी डिफरेंट एंड डू डिफरेंट, मींस बंदे को दिखाना कुछ और है एंड करना कुछ और है। और एक तरीके से आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आपको अपने ओपोनेंट को कंफ्यूज करना है, एंड ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है गाइस। मींस अगर आप एक बार एनिमीज को कंफ्यूज करना सीख जाओगे ना, तो भैया आप किसी भी बंदे को इजीली पेल दोगे। और वैसे तो मैंने इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड में वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के बाद देख लेना, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको ये
स्ट्रेटेजी फॉलो कैसे करनी है, मींस बंदे को आपको कंफ्यूज कैसे करना है। तो देखो गाइस, यहाँ पर मैंने इस बंदे को पहले थोड़ा डैमेज दिया एंड फिर ग्लू वॉल लगा दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, देखो मैं पहले इधर साइड लेफ्ट साइड आया एंड यहाँ पर थोड़ी देर रुक गया। और ये करने से बंदे को ऐसा लगा कि मैं इधर साइड हूँ एंड जैसे ही वो बंदा मेरे को मारने आता है मैं दूसरी साइड से जाके उसको पीछे से मार देता हूँ। एंड इसके बाद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा कि आपको बंदे को कंफ्यूज कैसे करना है, ठीक है। एंड भैया 1v1 कस्टम में सिर्फ एक ही बंदा आपके सामने होता है, तो आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके इजीली उसको बाटली में उतार सकते हो, ठीक है। और आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ये स्ट्रेटेजी को यूज करके बंदे को इजीली कंफ्यूज करके मार सकते हो। और ये हो जाने के बाद गाइस, जब अपना स्ट्रेटेजी वाला पार्ट ओवर हो चुका है तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स की ओर। और यहाँ पर गाइस मैं आपको सबसे पहली टिप देना चाहूंगा, वो है भाई प्रैक्टिस। गाइस आप कितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो क्यों नहीं देख लेते, अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो भैया आप पक्का मरोगे। क्योंकि प्रैक्टिस करने से भैया ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है एंड इस एक्सपीरियंस की मदद से आप किसी भी सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकते हो। एंड प्रैक्टिस आप कहीं पर भी कर सकते हो भाई, आप CS रैंक खेल के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप ट्रेनिंग मोड में जा सकते हो, आप बरमूडा खेल सकते हो। और प्रैक्टिस मींस ज्यादा से ज्यादा आपको खेलना है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी ट्रिक की ओर, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि 1v1 कस्टम की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी है। और उस बेस्ट जगह का नाम है लोन वुल्फ मोड। जी हाँ गाइस, मेरे को पता है कि लोन वुल्फ मोड परमानेंट नहीं है, लेकिन ये जब भी आता है ना भैया ज्यादा से ज्यादा इसे खेलो, क्योंकि लोन वुल्फ मोड में भी सामने एक ही बंदा होता है एंड इसे आप मिनी क्लैश स्क्वाड भी कह सकते हो। एंड भैया कस्टम कार तो आपके पास कभी कभी ही आता है, लेकिन लोन वुल्फ मोड जब भी आता है ना भैया आप उसे अनलिमिटेड टाइम खेल सकते हो। तो अब जब भी लोन वुल्फ मोड आए ना तो भैया जितना हो सके उतना इसे खेलना, ठीक है। एंड चलिए अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी ट्रिक की ओर, जो कि अपने कस्टम रूम के फर्स्ट राउंड में यूज होने वाली है। तो गाइस देखो, पहले राउंड में आप डेजर्ट ईगल के साथ साथ हेलमेट लेते हो ना, तो भैया ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको पहले राउंड में हेलमेट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, आपको वेस्ट लेना चाहिए पहले राउंड में। क्योंकि देखो गाइस, पहले राउंड में 90% बंदे डेजर्ट ईगल ही लेते हैं एंड डेजर्ट ईगल का एक हेडशॉट भैया 498 या तो 495 का पड़ता है, और आपकी HP होती है भैया 200 एंड दूसरे का हेलमेट भी मिला लो तो 245 होती है, ठीक है। इसलिए अगर आप हेलमेट लेते भी हो तब भी आपको एक भी हेडशॉट पड़ जाएगा ना, तो भैया आपका काम फिनिश हो जाएगा। इसका मतलब एक ही है कि फर्स्ट राउंड में भैया हेलमेट किसी भी काम का नहीं है, आपको वेस्ट ही लेना है, ठीक है। और एनिमी के ज्यादातर शॉट तो आपकी बॉडी पे ही पड़ता है, तो यहाँ पर वेस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकता है। लेकिन गाइस अगर आप 500 HP रख के खेलते हो तो भैया वहां पर आप हेलमेट ले सकते हो, ठीक है। और चलिए अब बढ़ते हैं हमारी फोर्थ ट्रिक की ओर, जो कि है मूवमेंट स्पीड। अब गाइस ये तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है कि मूवमेंट स्पीड भैया कितनी मायने रखती है, और मूवमेंट स्पीड पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हो। और यहां पर भी मैं आपको दो ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप जल्द से जल्द अपनी मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। पहली तो भैया, अगर आप अभी तक 2 फिंगर खेलते हो तो जल्द से 3 फिंगर या तो 4 फिंगर पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि 3 या 4 फिंगर में आपकी ज्यादा फिंगर का यूज होगा एंड आप कई काम एक साथ कर सकते हो। एंड कई काम एक साथ करने का मतलब है कि आपकी मूवमेंट स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। एंड दूसरी भैया, आप ट्रेनिंग मोड में जाओ एंड जितने भी बटन लगते हैं ना उन सभी को पेल दो, मींस ट्रेनिंग मोड में जाके आप ज्यादा से ज्यादा बटन को जल्द से जल्द टैप करने की कोशिश करो। इससे 1-2 हफ्ते में आपको खुद डिफरेंस महसूस होगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट ट्रिक की ओर, जो कि है बेस्ट कैरेक्टर। और गाइस मैंने आपको पहले भी बोला था एंड अभी भी बोल रहा हूँ कि कस्टम मैच का जो गॉड फादर है, जो कुल देवता है, वो है अपना स्काइलर। क्योंकि भैया आप सभी को पता होगा कि कस्टम में ग्लूअल अनलिमिटेड मिलते हैं एंड अपने स्काइलर की जो 2 एबिलिटीज है वो ग्लूअल के रिलेटेड ही है। और पहले भी मैंने आपको बताया कि स्काइलर 360 डिग्री ग्लूअल को भी फोड़ सकता है एंड 5 ग्लूअल को एक साथ फोड़ सकता है। और कस्टम में भैया बंदे ग्लूअल के पीछे ही छुपते हैं, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि आप बंदों को कितनी इजी तरीके से मार सकते हो। और स्काइलर की दूसरी एबिलिटी ये है कि अगर आप 1 ग्लूअल प्लेस करते हो तो आपकी 9 HP बढ़ जाती है। और अपने कस्टम में अनलिमिटेड ग्लूअल होते हैं, इसका मतलब है अनलिमिटेड HP। इसलिए भैया सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो अपने स्काइलर को जाती है, ठीक है। एंड अगर आपके पास स्काइलर नहीं है, देखो वैसे तो सबके पास होगा क्योंकि अभी फ्री में आया था, लेकिन अगर आपके पास स्काइलर नहीं है तो आप वुकोंग रख सकते हो, ठीक है। और पैसिव एबिलिटी में तो वही मोको, कैली एंड हयातो
आप रख सकते हो। और अब कैरेक्टर की बात चली रही है तो हम लोग पेट्स की भी बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे बेस्ट जो पेट है कस्टम में आपको यूज होने वाला है वो है अपना रॉकी पेट। रॉकी रूकी जो भी इसका नाम है ये सबसे ज्यादा आपको कस्टम में काम आएगा, ठीक है। और अगर आपके पास ये पेट नहीं है तो भैया कोई ना, आप कोई सा भी अपना पेट रख सकते हो, ठीक है। वैसे भी पेट्स का कोई इतना बड़ा रोल होता नहीं है, लेकिन हाँ गाइस एक चीज है जो कि बहुत बड़ा रोल निभाती है आपके जीतने में। एंड गाइस इसी की वजह से आप कस्टम रूम में 50% मर भी जाते हो। और ये चीज क्या है पता है? आपका माइंडसेट। गाइस आपके साथ कई बार ऐसा होता होगा जब आप अपने फ्रेंड के साथ खेलते हो या तो किसी प्रो प्लेयर के साथ खेलते हो कि जब वो बंदा आपको मारने के लिए क्लोज आता है तब आप हाइपर हो जाते हो, आपकी फिंगर्स कांपने लगती है और भैया इसी के चक्कर में आप छोटी छोटी गलतियां कर देते हो, आप टिप्स एंड ट्रिक्स को भूल जाते हो, आप स्ट्रेटजीज को भूल जाते हो एंड मर जाते हो। एंड अगर आपके साथ ऐसा होता है ना तो भैया अपने माइंड को कूल रखो, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो कि भैया हाँ मैं वो बंदे को मार सकता हूँ, और शांत दिमाग रख के खेलो। एंड मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है उसको अपने गेम प्ले में यूज करो भैया, फिर आपको कोई भी नहीं मार सकता। इसीलिए सबसे पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है। एंड बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भैया इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो अपना चैनल समझ के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे भी आपके लिए ऐसी कमाल की वीडियोस आती रहेगी। एंड गाइस अगर आपको कोई क्वेरी है या तो आप पर्सनल में मेरे से हेल्प लेना चाहते हो तो भैया आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड मिलता है आपसे ऐसी कमाल के वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टाटा।